प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं मुझे ना अभी बाहर जाना है, तो मैंने अभी अभी हेयर वॉश किया। इतनी ठंड लग रही थी ना सुबह से, तो मन नहीं कर रहा था हेयर वॉश करने का, पर अभी सडनली बाहर जाने का हो गया था, मैंने सोचा कि कर लेते क्योंकि मैंने बहुत ऑयलिंग कर लिया था, तो हेयर वॉश तो करना ही था। तो चलो मिलते हैं, मैं पहुँचती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उस रहे शाम के 4 और मुझे निकलना है 5 बजे तक, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज क्रिसमस है तो मैंने सोचा रेड पहन लेते हैं, बट इसके ऊपर ना ये जैकेट ठीक लग रहा है, पर इसमें ना ठंड नहीं रुकने वाली है क्योंकि मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मेरे पास ना ग्रीन वाला जैकेट है, पर ठीक है वो जम जाएगा तो वो पहन लूँगी, क्योंकि पहनना बहुत ज़रूरी है, तो फिर पूरा ही आउटफिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे तो वैसे ही बहुत ठंड लगती है। तो देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ जब तक क्या पहन के चलना है। वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पूरा आउटफिट ही चेंज कर लिया, मैंने स्वेटर डाल लिया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है, तो चलो चलते हैं। और हम चल रहे हैं इंदौरी जायका के फूड कार्निवल फेस्टिवल, जो कि इंदौर में है, काफ़ी अच्छा है। तो चलो वहाँ जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको फिर वहीं पर मिलती हूँ। मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे, मैंने एंट्री ले ली है और यहाँ का एंट्री टिकट्स था 200 रुपीज़ पर पर्सन। और अब मैं इस वाले एरिया में हूँ जहाँ पे ना बहुत सारे शॉपिंग वाला एरिया है, ये जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप वाले शॉप्स थी, जहाँ पर शूज़, क्लॉथ, ज्वेलरी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, फूड से रिलेटेड चीज़ें थी, मसाले थे काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं। कैंडल है, परफ्यूम है, परफ्यूम्स कैंडल है। और यहाँ सामने मुझे एक शॉप दिख रही थी जिसमें बहुत ही अच्छी ज्वेलरीज थी, बहुत अच्छे इयररिंग्स थे, हैंडमेड थे, तो काफ़ी कलरफुल थे, तो मुझे बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें बाय की और इसका जो नाम है और ये शॉप ना आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कलरफुल थे। अगर आपको ऐसी ज्वेलरीज पसंद है ना, तो आप इनके इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ जाके ज्वेलरीज बाय कर सकते हैं। Thank you.
और अब मैं जा रही हूँ फूड कोर्ट वाली साइट पे। अभी हम जहाँ पर हैं वो है शॉपिंग वाला एरिया। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं बहुत सारी शॉप्स है और काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन भी है और बहुत ही अच्छी वाइब्स थी यहाँ की। बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी और यहाँ पे स्टार्टअप वाली शॉप्स ज़्यादा थी जो इंस्टाग्राम पे और ऑनलाइन ज़्यादा सेल करते हैं। और चलो अब चलते हैं फूड वाले साइट पे। तो आज क्रिसमस था तो यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था। और ये है फूड वाला एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस थे। इंदौर के सारे फूड थे यहाँ पे, कुछ 56 की दुकानें भी थी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओए पापे से खाया पनीर का, जो इनका पाव होता है ना, पनीर पाव बहुत ही फेमस है, तो वो हमने ट्राई किया जो काफ़ी अच्छा होता है। और 100 रुपीज़ का होता है, इसमें 2 पीस होते हैं और पाव होता है। देन इसके अंदर ना इनके मसाले, पनीर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारी इनकी जो चटनी और मसाले हैं ना, ये काफ़ी टेस्टी होता है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा होता है। आपने नहीं खाया है तो ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। इसके बाद हम आ गए वेज बिरयानी के स्टॉल पे, जहाँ पे हमने पनीर वेज बिरयानी ट्राई किया। तो इन्होंने वेज बिरयानी दिया, इसके साथ में ग्रीन चटनी, देन रायता था। तो यहाँ की जो ग्रीन चटनी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बिरयानी काफ़ी स्पाइसी थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद। इसमें ना होल मसाले काफ़ी ज़्यादा थे, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। इसका जो टेस्ट था काफ़ी अच्छा था, सारे मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ रहा था, पर इसमें होल मसाले और बहुत सारा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था, तो वो हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बाकी काफ़ी अच्छी थी। तो ये मैंने ट्राई किया, इसमें सोया भी था, सोया चंक्स जो होते हैं ना वो थे, देन पनीर था, और उसके साथ ऊपर से इस तरह प्याज स्प्रिंकल करके दिए थे, तो काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम आ गए यहाँ पर, ये जो दूध है ना, कड़ा हुआ दूध, ये मिल रहा था। तो हम स्वीट वाले सेक्शन में आ गए थे, जहाँ पे रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और अभी गाजर वाला सीज़न है तो गाजर का हलवा। तो यहाँ पे हमने रबड़ी और गाजर का हलवा लिया, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और काफ़ी अच्छा था, और जो इंदौर में तो काफ़ी अच्छा मिलता ही, एकदम प्योर और बहुत ही मस्त, तो मज़ा आ गया खा के। और यहाँ अच्छा हुआ हमने सही टाइम पे आ गए थे, नहीं तो गाजर का हलवा तो ख़त्म ही होने वाला था। हमने ट्राई किया मोमोज, तो हमने तंदूरी पनीर मोमोज ट्राई किए थे, क्लासिक चीज़ पनीर वाले, और ये भी काफ़ी अच्छे थे। इसके अंदर पनीर और वेजीज की स्टफिंग थी, इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ भी था और काफ़ी अच्छा था। इसके साथ चटनी थी, मोमो चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व किया था, तो इसकी चटनी तो काफ़ी अच्छी होती है जो स्पाइसी होती है, तो ये चटनी के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हम पहुंच गए टिंकूस पे। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा सैंडविच, जो उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ का पिज़्ज़ा सैंडविच काफ़ी अच्छा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो ये है पिज़्ज़ा सैंडविच, और अच्छा था ये, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, फ्रेश था, पर बहुत ही ज़्यादा पेट भर गया था, बहुत सारी चीज़ें खा ली थी। तो ये है टिंकूस, और ये भरकुआ पे भी है इंदौर में, तो सबको पता ही होगा कि ये कहाँ पर है। और इसके साइड में ना इस तरह का म्यूज़िक चल रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मस्त यहाँ का सैंडविच एंजॉय किया, साइड में म्यूज़िक चल रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स थी, तो ये हमने एंजॉय किया।
गाइस मैं आ गई हूँ घर पे और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मेरी नाक बिल्कुल लाल हो गई है और थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है। इतनी ज़्यादा ठंड है पर बहुत मज़ा आया आज की ठंड में, और फूड जायका के कार्निवाल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।